हेलो वेलकम एवरीवन। चलो एक बार फिर से बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर नॉन डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को किस तरह एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, विल सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कहां स्टार्ट करेंगे, विल से। कौन सा टाइप करें, नॉन डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इसीलिए क्या करेंगे, विल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। विल से शुरू किया, उसके बाद सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, जब क्वेश्चन है तो उसको एज क्वेश्चन एज इट इज रखना है, तो विल एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डू डज और डिड उस तरह, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे रखेंगे क्या, विल एज इट इज। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अदल बदल कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह। देन उसके बाद क्या लगेगा, बी प्लस वी थ्री प्लस बाय एंड सब्जेक्ट लगेगा क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था मेरे एक वीडियो के अंदर कि हाउ टू आइडेंटिफाई वॉइसेस, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी, बी बीन एंड बी थ्री एंड सॉरी बी बीन, इन तीनों के बाद ही बी थ्री आता है, ये कॉम्बिनेशन है, इसको भूलना नहीं है, बराबर। तो देखो ये क्वेश्चन करते हैं, पहले विल ही प्ले द टूर्नामेंट, विल हमने एज इट इज रख दिया, द सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, विल द टूर्नामेंट, विल टूर्नामेंट बी प्लेड, इसको रेडी इस तरह करते बी प्लेड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल शी जॉइन म्यूजिक कॉन्सर्ट, विल एज इट इज शी जॉइन एन म्यूजिक कॉन्सर्ट, विल म्यूजिक कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट बी joined by her. Okay. Then next question. Will they pay the restaurant bill? Will as it is. They subject pay and the restaurant bill. क्या हो गया? Object. Will the restaurant bill? Will the restaurant bill be paid by them? और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एज इट इज रखेंगे। विल शी मैरी श्याम, विल एज इट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, विल श्याम बी मैरिड बाय हर और क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, विल एज इट इज She sing bhajan, she sing and bhajan. Will bhajan be sung by her?